अनस भाई जान, ये जो आप मुझे वॉइस नोट भेजे हो, ये मैंने ही आपको चेक साइन करके रेडी करके फोटो भेजे थे। तब आपने कहा था कि मूवी टावर में भेजवा दो, तो जो तिवारी मेरा ड्राइवर था मेरे पास जो काम करता था उसके थ्रू मैंने भेजा था। तो मेरी जो बीवी थी उस टाइम में राखी सावंत, तो उसने ये वॉइस नोट आपको भेजा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मेरी ही अमानत है। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई जान, जो उस टाइम में जो हमारा रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का था, उस टाइम में जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, जो वो ख़त्म करने के लिए जो भी हमने चीज़ें की थी, जो भी हमारे हुए थे चीज़ें, जो आप आए थे मेरी ऑफिस पे, फोर बंगलोस पे, जो अब मेरी ऑफिस थी, प्रोडक्शन हाउस था मेरा, आप उधर आए थे, तो जो भी हमारा अग्रीमेंट बना था, जो कोटक महिंद्रा के चेक्स को लेके, वो अलग चीज है। ये HDFC के जो मेरे अमानत चेक हैं आपके पास, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने आप पे अमानत पे तौर पे छोड़े थे, तो इसमें राखी का कुछ लेना देना है नहीं। अगर उस चेक को लेके कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप मुझे वो चेक मुझे रिटर्न कर दो। ये इस्लामी तौर से भी इस्लाम कहता है कि अमानत को रिटर्न करना चाहिए आपको, और ये लीगली भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरी इलीगल प्रॉपर्टी आपके पास है, वो जो मेरी HDFC की चेक है। नंबर एक, नंबर दो पॉइंट हो गए। नंबर तीन, उस टाइम में जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे वो मेरे और राखी के, तब हम हस्बैंड एंड वाइफ थे। उसके बाद राखी ने झूठे एलिगेशंस लगा के मुझे जेल भेजा, मुझे हरास किया। आज जब मैं बाहर आया हूँ, मुझे पूरे का पूरा हिसाब किताब राखी के साथ खत्म करना है अनस भाई। अगर जब मैं पूरी चीजों के हिसाब किताब के मामला अगर मैं आगे रखूँ, तो 1.5 करोड़ रुपए खत्म होके मुझे 80-90 लाख रुपए राखी से निकलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एकेडमी में मैंने जो एकेडमी बनाई उसका हमने खर्चा उस टाइम में नहीं लगाया था, जो मैंने उसको फ्लैट गिफ्ट किया था दुबई में वो हमने नहीं लगाया था, मैंने जो इंपीरियल एट्स में लोन क्लोज किया था उसका मैंने नहीं लगाया था, उसका घर मैंने बनवाया उसका मैंने नहीं लगवाया था, डायमंड नेकलेस मैंने नहीं लगाया, मैंने फोन नहीं लगाया था, मैंने BMW गाड़ी नहीं लगाई थी, क्योंकि वो उस टाइम में मेरे से निके में थी, वो मेरी बीवी थी। तो हम सिर्फ फाइनेंशियल्स को लेकर आपको बीच में बात कर रहे थे। आज जब मैं लीगली हूँ, मैं कोर्ट के दायरे में हूँ, ऑलरेडी मेरा उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको जानना अनस भाई, कि पूरा हमारा हिसाब किताब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप नंबर वन, ये चेक आप बिल्कुल नहीं दे सकते, बिकॉज ये चेक आपको दिया गया है, जब आपको इसका टाइम हो के आप बाहर भी निकालोगे तो आपको बिठाना पड़ेगा राखी और मुझे आमने सामने। नंबर वन। नंबर टू, दोबारा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उस टाइम हस्ती मजाक में जो हो गया तो हो गया, आज मेरा पूरा हिसाब किताब भी मुझे करके मुझे 95 लाख रुपीज राखी से बनते हैं ऑन अकाउंट, उस चीज को मुझे दिलाना पड़ेगा इस्लामी तरीके से, जिसको मैं उस टाइम में बड़ा माना था वो आप हो। और नंबर सबसे मेन मुद्दे की चीज, इसको इरेलीवेंट नहीं, मेरी HDFC की चीज, प्लीज मुझे उसको रिटर्न कर दीजिए। मैं इस्लाम में तरीके से भी बोल रहा हूँ, लीगली भी आप उसको नहीं रख सकते, वो मेरी अमानत आपके पास है, उसका कोई इस एग्रीमेंट से लेना देना नहीं है। यू कैन नॉट विथहोल्ड एनीबॉडीज प्राइवेट चेक्स। सब कुछ हो गया अनस भाई, तो प्रेशर डालती है तो उसका वही काम है, गंदगी है, गंदी है, उसका यही काम होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा साफ साफ अल्फाजों में, उसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, मैंने आपकी हर बात को इज्जत दी है, आज भी मैं उस बात को इज्जत देना चाहता हूँ और दूंगा इंशाल्लाह, जब तक मेरे सर पे पानी ना आ जावे। मेरी जो चीज है, आपने मुझे 4 बार पहले भी बोला था कि आके तुम्हारी चेक अमानत ले लो, अभी भी तुमने, आपने मुझे 1 महीना पहले भी बोला था, 15 दिन पहले भी बोला था, मैं नहीं आया, बिकॉज मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, मैंने सोचा था कभी कलेक्ट कर लूंगा। जब मैं आप मुझे उसकी जरूरत में पूछ रहा हूँ, आप मुझे राखी का आर भी नहीं कह सकते, वो मेरे आपका आपस का मामला है, उस टाइम मैं कलेक्ट करके ही मुझे ये देना था, लेकिन आपने क्या कहा था, घर आके ले लेना, इस वजह से वो आपके पास है, वो मेरा आपका आपस का मामला है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मुझे वो इमीडिएट बेसिस पे चाहिए अनस भाई, इमीडिएट बेसिस पे, आई डोंट हैव पेशेंस टू वेट, वो मेरी चीज है और मुझे वो चाहिए अभी अभी। मेरी अहलिया के साथ